देश में घट रही घटनाओं को लेकर रीवा दर्शन ने भी शहर की महिलाओं से इस मुद्दे पर बातचीत की। आइए देखते हैं इस घटना के बारे में शहर की महिलाओं ने अपनी बात किस तरह से रखी। आइए चलते हैं रीवा दर्शन के स्टूडियो में, जहां पर मोनू हेनरी मौजूद हैं शहर की कुछ चुनिंदा महिलाओं के साथ। शर्म से झुका है सिर इस चमन का, बेटियां मुल्क की बेआबरू हो रही हैं। बात अपहरण के भी महफूज थी सीता जी, कैसी शराफत उस दौर के रावण में है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दरिंदगी की, उस मुद्दे की जो इन दिनों घटित हुई है। एक 8 साल की छोटी बच्ची जिसके साथ ऐसी गलत घटना घट गई जिसके बारे में उसे पता भी नहीं, बलात्कार का अभिप्राय उस बच्ची को नहीं मालूम। हमें बोला जाता है कि लड़कियों का जो कपड़ा पहनने का तरीका है वो लोगों को भ्रमित करता है, लड़कों को आकर्षित करता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे कि 8 साल की बच्ची ने किस प्रकार लोगों को आकर्षित और भ्रमित किया है। लोगों की दरिंदगी, लोगों के मन के अंदर की भरी हुई वासना ये शो करती है कि वो आज के ज़माने में जो कलयुग कहा गया है उसे वो प्रूफ करते जा रहे हैं। एक 8 साल की बच्ची जिसे यहाँ पर इस तरह से टॉर्चर किया गया है, उसे 4 दिन तक इस ऐसे दुख भरे प्रताड़ना से गुजारा गया है, उसे नशे की दवाइयाँ दी गई हैं और उसके साथ गलत कार्य किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, 7-7 दरिंदों ने उनके साथ ऐसा गलत काम किया और बाद में उसे मौत के घाट उतारा। मौत के घाट भी आसानी से नहीं उतारा, उसे टॉर्चर किया गया, उसके यूट्रस को डिस्ट्रॉय किया गया और बाद में उसका गला घोटा गया। उसके बाद भी उनके दिल को तसल्ली नहीं मिली तो उसे पत्थरों से मारकर मारा गया। क्या ये आज का भारत है? उस भारत की हम बात करते हैं जिसे सोने की चिड़िया और संस्कारों का गढ़ कहा जाता था। हमारे संस्कार कहाँ थे? आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। मैं हूँ मोनू हेनरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा दर्शन। आइए आज हम एक गंभीर विषय में बातें करेंगे। हमारी परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ आई हैं रंजना बंसल जी, जो प्रिंसिपल हैं गीतांजलि पब्लिक स्कूल में, कविता पांडे जी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रीवा हैं, और रचना श्रीवास्तव जी जो प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र की शासकीय कन्या महाविद्यालय में। आप मुझे बताइए मैम कि ये जो अभी हमारे सामने ये जो कांड आया है उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल नई बात नहीं है ये शायद हम अगर 16 दिसंबर को रिकॉल करते हैं तो ये बहुत समय से चला आ रहा है। अब टारगेट हो गए हैं 100 बच्चियाँ, हो गई हैं छोटी। एज अब मुद्दा नहीं रखता, कपड़े भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़की होना ही पर्याप्त है। उम्र कोई भी हो सकती है, जगह कोई भी हो सकती है, तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ वासना का शिकार होना लड़कियों की त्रासदी है, ऐसा नहीं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? निसंदेह बहुत पहले से बात द्रौपदी की जाए, उसके कपड़े खींचे गए, कारण कोई भी हो सकता है। उसके बाद लगातार इस तरीके की घटनाएं, जब भी पुरुष का अहंकार है, जब भी उसके अहंकार की तुष्टिकरण की उसको आवश्यकता होती है तो नारी उसकी सॉफ्ट टारगेट होती है। जरा सी बच्ची, चाहे कठुआ का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, कल सूरत की घटना थी, रोहतक, रीवा में रोज के रोज ऐसी घटनाएँ होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। पुरुष को ऐसा लगता है कि हमारा अहंकार और किसी लड़की का मान मर्दन और उसके परिवार का नुकसान करना हो तो बलात्कार जैसी घटनाएं कारित करता है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। जिस देश में यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता था, आज स्थितियाँ इतनी विकराल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा भी, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। जो युवा है, आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल से किसी भी उम्र के, उनकी जो मनोविकृतियाँ हैं अवसाद के कारण, और वे ऐसी घटनाएं कारित करते हैं। हम लोग जब अपराधियों का विश्लेषण करते हैं, अब कोर्ट चले जाइए, तो जो बलात्कारी रहेंगे उनका आचरण व्यवहार बड़ा अजीब सा रहता है, तो उनको इलाज की भी ज़रूरत होती है। और हमारे देश का जो कानून है इतना लचीला है कि वो रेपिस्ट रेप करने के बाद उसकी मौत की नहीं, उसकी सज़ा नहीं सुनाई जाती,
मेरा कहना ये है कि यदि चौराहे में खड़े होकर दो चार को फांसी मिल जाए तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह इस तरीके से किसी लड़की के ऊपर बलात्कार की तो बात छोड़ो, छीटा कसी करने की भी न बताए। हम भले ही ये कहते हैं कि वो पुराना हमारा लॉ युग था और अंग के बदले अंग का जो प्रचलन था वो ख़राब था, लेकिन सच ये है कि हमें वापस वहाँ जाना होगा। बात बहुत सारी अरब कंट्रीज़ में अंग के बदले अंग का सिस्टम है और वहाँ कोई अपराध लैंगिक अपराध बिल्कुल नहीं होते। आज हमारा देश नरभक्षियों का देश बन चुका है। पैदा हुई बच्ची से लेके, कल मैं देख रही थी कि किसी शादी में गई बच्ची को उस लाख के टॉफ़ी देने के लिए बोला, वो हमारा चच्चू है टॉफ़ी देना, छोटे छोटे बच्चों तक को लोग छोड़ नहीं रहे जो उनकी पुत्री क्या उनकी नाती के बराबर है। तो आखिर हमारा देश हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है? लोग कहते हैं कि इसमें राजनीति हो रही, अरे कौन सी राजनीति हो रही भैया? यदि आप मारे डाल रहे हो तो हम तो खड़े होंगे ही होंगे और हम ताकत से खड़े होंगे, हम अपनी देश की नारी की लड़ाई लड़ेंगे और हम जब तक हमारी सरकार को इस बात के लिए नहीं कर देते तैयार कि आप ऐसा कानून बनाओ कि रेपिस्ट की आत्मा कांप जाए, उसका रोआ खड़ा हो जाए, एक लड़की की तरफ देखने में उसकी नज़र डर जाए। आप क्या कहती हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा ये कहना है कि समस्या के मूल में आ रही थी कि वो क्यों ना हो, सिर्फ कानून दंड सब कुछ बेहतर हो जाए पहले से, लेकिन पूरे समाज को सहयोग। समाज का दायित्व है कि जो हम बच्चों की परवरिश, लड़कों की परवरिश करते हैं, उनमें नैतिकता, सामाजिक मूल, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ी जा रही है। शायद कुछ हद तक हम मीडिया भी इस तरह ऐसा प्रचार करे मैम का कहना है कि मृत्यु दंड दिया था। मैं मानती हूँ कि हमने जन्म नहीं दिया तो मृत्यु भी नहीं दे सकते। अंग कौन ही इज द बेस्ट ऑप्शन? एक बार अंग भंग हो जाए तो वो हमेशा एक समाज के बीच में उदाहरण के रूप में घूमेगा कि इस बड़ी गलती का ये बड़ा प्रायश्चित है, और वो इसको सबके सामने लाएगा तो दूसरों के लिए भी एक सबक होगा, वरना इंसान मर जाता है तो लोग चार दिन में भूल जाता है। आपकी बात में मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी। ये जो नाबालिग लड़के होते हैं जो कहना चाहिए बाय मिस्टेक ये गलती कर रहे हैं ऐसा हम मानते हैं, पर एक्चुअल में कृत्य तो वो वही कर रहे हैं, तो उनकी सजा क्यों कम की जाती है? आखिर वो उस पीड़िता को, उस 8 साल की बच्ची को वही कष्ट दिया जो वो 80 साल का 60 साल का बुजुर्ग दे रहा है, वो 28 साल का लड़का दे रहा है, तो फिर ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है कि वो नाबालिग? मेरा ऐसा मानना है कि नाबालिग हम उनको मानते हैं जो शायद सोचने समझने की क्षमता कम रखते हैं, कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। माँ बाप का भी एक कर्तव्य है, हम पूरी तरह से सरकार या समाज के ऊपर नहीं छोड़ सकते। सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, परिवार का ही पालन पोषण उनके लिए संस्कार होते हैं जो बच्चे को आगे चल के एक अच्छा और सुसंस्कृत नागरिक बनने में मदद करती है। जो कुछ भी बच्चा समाज को दे रहा है या जिस तरह से भी वो पेश आ रहा है, काफ़ी हद तक जवाबदारी परिवार की है। कितना समय दिया गया, क्या संस्कार दिए गए, क्या सही गलत बताया गया, कितने नैतिक मूल्य उसके अंदर पोषित किए गए, ये सबका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं उसके बाल व्यवहार से आता है। वो अलग बात है कि बाहर निकलता है, लोगों से सीखता है, सुनता है, समझता है, गलत संगत में पड़ता है, पर कई माँ बाप अगर उस पर होल्ड रखते, या फिर मैं इसमें स्कूलों को भी जवाबदार मानती हूँ, जो एक संस्थाएं हैं बच्चे के भविष्य बनाने का दावा करती हैं, उन्होंने कितना रोल प्ले किया, या जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उन्होंने इस बात में अपनी जवाबदारी कहाँ तक दर्ज कराई, ये उसके पूरे पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसीलिए थोड़ा सा एक वो बनता है कि बच्चा छोटा है ये हम मान लेते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि उस बच्चे को सुधारा जा सकता था यदि समय रहता हमने एक्शन लिया। मैं थोड़ा सा सहमत कम हूँ। मैं आज से 10 साल पहले इस बात से बहुत सहमत थी। मेरा कहना ये है कि आज हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास मीडिया है, हम नेटवर्क, हमारे पास कितने चांसेस हैं, हम सारा नॉलेज वहाँ से गेन करते हैं। आजकल छोटे छोटे मेरे ख्याल से 6-7 के बच्चों को सारी डिटेल्स पता होती हैं, तो नाबालिग डिसीजन नहीं ले पाते हैं इसलिए वो नाबालिग है। निर्भया केस की यदि आप बात करें 2016 की, 16 सबसे विभत्स, तो वो जो 6 अपराधी थे उसमें जो नंबर 1 वो नाबालिग था, उसने शुरुआत की थी और बालिग भी लोग थे उसके साथ शामिल थे।
तो रेप के जो रेप विक्टिम है, जो बालिका है छोटी सी, उसके ऊपर अपराध उतना ही हुआ है। तो मेरा ऐसा कहना है कि बराबर का अधिकार होना चाहिए, इसमें बालिक नाबालिग का कोई बात नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से पहले तो चौराहे से पूरे शहर में उसका पैदल मार्च कराया जाए, पुलिस उसको घुमाए और हो सके तो नंगा करके, और महिलाओं का पूरा ग्रुप उसका अंग भंग करे, और इसके लिए पुलिस में सरकार में एक ग्रुप बनाया जाए, और यदि फांसी की सजा हो तो महिलाओं से फांसी की सजा दिलाई जाए। विश्वास करिए कि अरब कंट्रीज में जहाँ यहाँ कानून बना है एक भी रेप की घटना नहीं होती। आज आप याद कीजिए कि 16 दिसंबर की जब निर्भया कांड हुआ था तो उस लड़के के पक्ष में उसकी माता, उसकी भाभियाँ, उनका परिवार बड़ी ताकत से खड़ा था कि मेरे बेटे ने नहीं किया, वो नाबालिग है। अरे नाबालिग की आड़ में तुमने लड़की का, ज्योति नाम था शायद, ज्योति सिंह, उस लड़की का पूरा जीवन बर्बाद किया, उसका पूरा परिवार सड़क में आया। वो डॉक्टर होती, समाज की सेवा करती, और तुम्हारी गलतियों के कारण पूरा देश शर्मसार हुआ। मैं आपको सबको बताना चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ दिन पहले कहा कि भारत में 10,000 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, और यूनाइटेड नेशन का जो स्पोक्स पर्सन था, प्रवक्ता, ये कहते कहते रो दिया। तो आप आश्चर्य करिए कि यूनाइटेड नेशन जैसे जैसी जो देश की सर्वोत्तम, विश्व की सर्वोत्तम संस्था है शांति के लिए जो काम करती है, यदि भारत की भर्त्सना करती है, तो इन दुष्टों के कारण पूरे विश्व में भारत शर्मसार हो रहा। जहाँ ये कहा जाता था कि महिलाओं की पूजा होगी वहाँ देवता निवास करेंगे, आज पूरी दुनिया में जहाँ सीता अहिल्या द्रौपदी की बात होती है, तो जब यूनाइटेड नेशन ऐसी बात कहता है तो आप कल्पना तो करिए कि आज विश्व स्तर में कितनी भारत की बदनामी हुई इन रेपिस्टों के कारण। इनके साथ जितना बुरा से बुरा किया जाए उतना ही कम है, और जब तक हमारे देश की सरकार कठोर कानून नहीं बनाएगी तो विश्वास करिए कि घटना, आप देखिए कठुआ हुआ 8 दिन पहले, अगले दिन उन्नाव हुआ। उन्नाव कठुआ में तो आप आश्चर्य करेंगे, दीपिका राजावत नाम की जो वकील है उसको धमकी दी जा रही कि तुम इसका मुकदमा ना लड़ो, और सारे के सारे लोग जो रेपिस्ट हैं उसकी फैमिली के लोग उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर। उन्नाव की घटना में भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की हमारी सरकार है, उनका MLA रेप करता है और उसका भाई, और पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बचाने में लग जाती है। जहाँ सरकारें इस तरीके के दुष्ट और चांडर लोगों का प्रोटेक्शन कवर बनने की कोशिश करेंगी, तो आप कल्पना करिए कि इस देश में न्याय कब देगा। यदि बाड़ी ही खेत खा जाएगी तो हम इसके ऊपर भरोसा करें क्या करेंगे। आज उन्नाव में 8 महीने बाद मुकदमा कायम हुआ, और बहुत ज़्यादा जब पूरे देश में हंगामा मचा। मैं मीडिया पर एक ऐसा है कि जो चीज़ों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और बड़े परिप्रेक्ष्य में दिखाता है, चीज़ें उठ के आती हैं और उसके बाद तब न्याय मिलता है। यदि वो दबा सके इस मामले को मोनू जी, तो विश्वास रखिए कि एक मुकदमा ना कायम हो। वो लड़की और उसके फादर सुसाइड कर लेते, थाने में पिता को मार दिया जाता है कि तुम अपनी लड़की का क्यों कह रहे हो कि बलात्कार हुआ, मतलब बाप मर जाता है, लड़की आज भी कानून के लिए चारों तरफ गली 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 घूमती जा रही है, कहीं लड़कियों को मान से जोड़ा जाता है। मैं सोचती हूँ यहाँ बात हम नाबालिग की कर रहे हैं, आपने कहा कि क्लास 6 के 7 के बच्चों के पास मोबाइल होता है, तो अपनी अर्निंग से तो नहीं खरीदते, पेरेंट्स उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं या पेरेंट्स उनके दबाव में आते हैं बच्चों के लाड़ के लिए या किसी भी कारण से मोबाइल आया कहाँ, सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से। जो वो पॉर्न मूवीज़ या जो कुछ भी उन पटांग अश्लील देखते हैं वो कौन रिकॉर्ड करता है, क्या सरकार उस पर बंदिश नहीं लगा सकती। लेकिन यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि हम अभी राजनीतिक रोटियाँ ना सीखे, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, हम अभी उस मुद्दे में जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। देखिए ये इसलिए सवाल उठता है कि जिसकी भी सरकार होगी वो जिम्मेदार होगा क्या कि क्यों नहीं क्या काम करते। हमने चुनी ना तो उसके जो है उसके जिम्मेदार। आप उन्नाव घटना लीजिए कि लगातार पूरा देश खड़ा रहा रेप विक्टिम के साथ, लेकिन नहीं मुकदमा कायम हो रहा था। जब पूरा देश खड़ा हुआ तो फाइनली क्योंकि वो MLA है, क्योंकि इसमें मीडिया इन्वॉल्व हुई, हमारी मीडिया बात करती है तो उसमें पुलिस को हम मानते हैं अपना सर पर। और दूसरी बात ये भी है इस पूरे मुद्दे में, आगे मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कोई आएगा जी, कोई यहाँ पे मसीहा नहीं आने वाला। आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा, आपको खुद इतना सक्षम होना पड़ेगा और आपके बच्चों को ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे। आजकल हो सकता है इस बात को लोग अन्यथा लें, माएँ किटी पार्टीज़ में बिजी हैं, आप देख सकते हैं रेस्तरा का ट्रेंड चल गया है, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, ट्यूशन कोचिंग इसीलिए फल फूल रहे हैं कि माओ के पास टाइम नहीं है, पिताजी को बहुत सारा पैसा कमाने की लत है क्योंकि वो बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं। नतीजा आपके सामने,
नतीजा आपके सामने, चीजें जानते जो नहीं जानते। देखिए फैमिली का कंट्रोल बच्चों पे हो सकता है, मेरे भी तीन बेटे हैं, तीनों मोबाइल यूज़ करते हैं, मेरा छोटा बेटा 9th में है बट वो 7th से फ़ोन यूज़ करता है, पर मैम आप मानिए मैं ऑल ऑफ अ सडन जाके उससे फ़ोन लेती हूँ क्या देख रहे हो, और वो फ्रीली देता है। तो हमें अपने घर की परवरिश सुधारनी है, माहौल वैसा रखना है, स्कूल से रोक नहीं सकते, आप उनकी प्रगति को बाधा नहीं बना सकते, लेकिन आप उनको चेक करते रहें। बिल्कुल, क्योंकि हम बच्चों को अगर पिछड़े हिसाब से पालेंगे तो हमारे बच्चे आज के दौर में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हम उस नेगेटिविटी को तैयार भी करना है, लेकिन एक कहना चाहिए नैतिक मूल्यों के साथ। जी बिल्कुल, जैसे पिंक मूवी आई है ना, वो नेशनल अवार्ड और सब कुछ बहुत अच्छा था, क्यों, वो एक मूवी है, उससे हमें शिक्षा लेनी है, हमें लड़की को मेरा हम शबाना जो मूवी है उससे हमें देखना है लड़की को क्या सिखाना है, हमें महिला सशक्तिकरण पे बात करना इजी है, पर हमें उसको लेकिन मेंटल मार्च करके आप मूवी तक जाइए ही मत, आप अभी इससे बात करिए, आप जितने भी गेम्स हो रहे हैं सारी लड़कियां उसको कर रही हैं, गोल्ड मेडल्स ला रही हैं, तो वो ज्ञान का भंडार है, लेकिन देखिए पॉजिटिव ऐसे सकारात्मक तरीके से आप उससे ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसमें निगेटिव, मैं अपने पड़ोस की बात बताऊँ, एक लड़की है वो उसके पिताजी ड्राइवर, वो उसको बोलती है कि हमको टच स्क्रीन चाहिए, उसको मिलता है और उसके बाद एक दिन वो छुड़ा लेता है, वो कान में लगा के सड़क में घूम रही होगी, तो उसका फादर कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम लगातार दिन भर इसमें उंगली चलाती रहती। उस लड़की ने कहा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी और मेरा एंड्रॉइड मुझे वापस करो। तो आज इतना अग्रेसिव बच्चे हो रहे हैं, कहना भी नहीं मानते। सोशल मीडिया में सरकारों को सिस्टम को कंट्रोल करने की जरूरत है कि आप अच्छी चीज़ें तो देखो, लेकिन आप देखो कौन साइट्स में जाते हैं और पूरे टाइम ब्लू फिल्म और वो हमें कंट्रोल करना, हमें करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी करना पड़ेगा कि आखिर आप 15 साल 16 साल के पहले आप जैसे मैंने चाइना में सुना वहाँ सोशल मीडिया बैन है, करना पड़ेगा ये मानिए, क्योंकि देखिए आप पूरा विश्व खुला हुआ है, आज हमारे हाथ में गूगल और हमारे हाथ में अकूत ज्ञान का भंडार है, लेकिन हमारा बच्चा क्या सोचता है, वो नकारात्मक दिशा की जा रहा है कि सकारात्मक, ये तो निश्चित रूप से माता पिता का दायित्व है, धर्म है स्कूलों का, लेकिन जब धर्म का पालन नहीं हो पा रहा तो निस्संदेह मेरा ऐसा मानना है कि सरकारों को भी, जैसे चाइना की ही बात हो रही है, कठोर कार्रवाई करनी होगी कि इतने में यदि आप ये यूज करते देखते पाएगा तो आप उस साइड कौन सा बंद करो कि भाई इतना इस्तेमाल। आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अब हम इस समय हम बहुत ओपनली कह देते हैं कि सोशल मीडिया में सबसे पहले हम मोबाइल को टारगेट करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब से पहले जब मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं था तो किताबें थी, किताबों का चयन भी गलत और सही होता था, उस समय कौन हेल्प करता था, गलतियाँ तो तब भी होती थी। अब लोगों में इतनी जागरूकता है, स्पेशली गर्ल्स इतना स्ट्रांग फील करती हैं कि वो आवाज़ उठा सकती हैं, घरों में शोषण होते थे, घरों में ही इस लेवल पे हो जाता था कि बच्चियाँ नहीं कह पाती, मानसिक तनाव का शिकार रहती थी, उम्र निकाल देती थी और घर में ही शोषित होती रहती थी, गंदी किताबें आती थी, लिटरेचर गंदा होता था, लेकिन कभी किसी ने बताया उन्हीं बच्चों ने अच्छा लिटरेचर पढ़ा जिनके माँ बाप ने उन पर नज़र रखी, जिनके बड़ों ने इस बात की जवाबदारी दी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है फैमिली, निश्चित रूप से फैमिली तो प्रथम पाठशाला है, द्वितीय विद्यालय है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारी सरकारों को, जिम्मेदारी को कंट्रोल करने क्राउड कर लिए, माता पिता कर रहे हैं, करेंगे और करना ही चाहिए, मेरा तो ऐसा कहना है कि नैतिक और चारित्रिक पाठ के लिए एक पाठशाला होनी चाहिए, शनिवार इतवार को एक क्लास होनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, गायत्री परिवार, ये हम लोग को संस्कारों की शिक्षा देते हैं और घर में भी हमें संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सरकारों का दायित्व तो हमसे इनसे ज़्यादा, ऐसा मेरा मानना है। जब तक बात तो इसलिए भी ठीक है, जैसे अपन कहते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा हेलमेट पहनो, लोग नहीं पहन रहे, वो बताया जाता है, देखिए सरकार इसको पहनवाती है, अब क्या कीजिए, ला रही है पुलिस को सामने तो उन्हें घूस लेते हैं और बाकी चीजों में उन्हें फंसाएगा। आप रामचरितमानस नहीं करते, रामचरितमानस की मुझे एक पंक्ति आ रही है, विनय न मानय जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिनु होए न प्रीति। तो आप जानिए कि जब रामचंद्र जी खड़े हो गए, समुद्र उनको स्थान नहीं दे रहा था, तब रामचंद्र जी ने यह बात कही। आज भी समय काल परिस्थिति बदली है, लेकिन उतना ही ये दोहा आज भी इतनी चौपाई है, प्रासंगिक है कि भय बिनु होए न प्रीति। तो यदि अपने बच्चों को भय होगा तो निस्संदेह धार्मिक को बीच में डाला तो मेरे को भी
शनि शिकनापुर का नाम अक्सर मैं सुनती हूँ, मैंने कभी विजिट नहीं किया। लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ ताले नहीं लगाए जाते, बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से डर की वजह से, कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती। मौका लगे तो सब लोग एक दूसरे की जेब काट लेंगे। डर को बनाया जा सकता है सिर्फ सरकार के द्वारा, क्योंकि वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। सरकार तक तो बात बाद में जाएगी, पहले क्या मोदी जी अपना कानून इतना लचीला है, इतना लिबरल है, आज बलात्कार करता है 15 दिन में वो घर में मुस्कुराता है। कई बार तो मैंने ऐसे कुछ साल मैंने वकालत की है, कई बलात्कारी मैंने ऐसे देखे हैं कि वो बलात्कार के आरोप में जाते हैं, जमानत पर आते हैं, दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, चौबारा करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं उनका लैंगिक अंग भंग किया जाता, कोई इस लायक ही ना बचे कि दोबारा वो किसी औरत बलात्कार के रूप में बंद रहते हैं और बाहर आते हैं बेल पे तो उनकी परीक्षा हो जाती है। शादी के लिए लड़कियाँ तैयार है, ये समाज है, समाज से बाहर। मुझे ऐसा लगता है पहले हम इस कॉलोनी में मोहल्ले में रहते थे, हम एक परिवार होते थे, एक पूरा एरिया। अगर घर से लड़का लड़की इवन बहू बेटा कोई बाहर निकल रहा है तो उसे पूरे मोहल्ले की पूरे नगर की चिंता होती थी कि मेरे दोस्त के पापा देख लेंगे, कि मेरा उनका मामा देख लेंगे, है ना। आज तो पड़ोस में कौन रहता है, आप मुझसे ही पूछिए, मैं नहीं बता सकती। तो ये तो हमारी आज की दिनचर्या और जीवन शैली हो गई है, तो हमारे बच्चों को वो नैतिक मूल्य पता ही नहीं, उसकी वजह से वो वहाँ से कटे, तो अब वो कहाँ से मट गया, माँ बाप तक, माँ बाप कहाँ आ गए, माँ बाप अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रख सकते हैं, इन लॉज के साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, माँ बाप अलग रह रहे हैं, मम्मी जैसा आप कह रही है भाई ज़रूरी नहीं किटी और क्लब में जाएँ, जॉब करती हूँ, पापा जॉब करते हो, परिवार मोनू जी परिवार जैसी संस्थाएं और जो बिखरा हुआ एकल परिवार में वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हुआ है। जब अकेले हैं तो अकेले होने के कारण अवसादग्रस्त हो रहे हैं, जब अवसादग्रस्त है तो इस तरीके की घटनाओं की तरफ वो तेजी से बढ़ रहा है। अब देखो कि छोटे कम उम्र के बच्चे अपराध कर रहे हैं, अब एक नया कल्चर अपने युवा में भी डेवलप हुआ बंदूक लेने का, तमाम टाइप टाइप की संस्था बना के बंदूक लटकाएंगे और उसको प्रेस्टीज चुकाएंगी कॉलेज में यूं सटाक से मारे, उनको ये पता ही नहीं। हाँ आपने देखा होगा कि बंदूक का मायना नहीं जानते कि चल जाएगी मर जाएंगे, एक परिवार वो जाएगा एक परिवार तुम जाओगे और तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद उनके माता पिता शाम से वो बंदूक ताक रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं है कि भाई आप ऐसे कैसे लेके चल सकते हो, भाई कानून का पालन क्यों नहीं करते। मेरे पास जब सिफारिश के लिए लोग आते हैं तो आप विश्वास करो कि मैं पहले उन लड़कों को ठक बैठक कराती हूँ, उसके बाद उनकी सिफारिश करती हूँ कि अब दोबारा तुम हेलमेट जरूर पहनोगे और कानून का पालन करोगे। इस देश में कानून का हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे और मुद्दे उठाए जाएंगे, हम लेते हैं छोटा सा। Public School, now in Rewa, starting primary wing 2018. Affiliated by Dhoon Public School Group, Delhi, India's most futuristic and high-tech school, well-trained teachers from Delhi, smart classes, smart assessment system, digital library, English language lab, maths lab, Wi-Fi enabled computer lab, robotic lab, abacus, Vedic math lab, science park, 5 acres of school campus, football, cricket and hockey ground, 200 meter stadium, running track, admission open from nursery to 7 for the session 2018-19. Affiliated by Dhoon Public School Group, Delhi. Break के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है रिवर दर्शन में। आइए हम उस बात को जो हमने मध्य में छोड़ा था उसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैम इस मुद्दे पे जैसे लोग नॉर्मली धर्म से जोड़ रहे हैं तो इस विषय में आप क्या सोचती हैं, क्या ये हिंदू मुस्लिम मसला है या कोई जातिवाद है? धर्म तो सबसे पहले से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए, तब विभत्स दुर्घटना हुई है जो धर्म से बिल्कुल परे जी, बिल्कुल इतनी छोटी सी बच्ची तो जानती ही नहीं, अपना दाया बाया हाथ नहीं जानती इसके लिए धर्म। मैं मानती हूँ धर्म एक संस्था है जो हमने बनाई, हमने डिसाइड किया कि तुम हिंदू तुम मुसलमान तुम सिख तुम ईसाई, तो धर्म बाद में आता है, पहले आता है इंसान और उसकी इंसानियत। तो ये इस सब मुद्दों को इससे ढकना नहीं चाहिए, एक इशू बनाना और बातों को दबा देना ये भी एक तरह से आप बल दे रहे हैं कि मैं उस धर्म का नहीं था या वो फलाने उस धर्म का था। आपने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए इस
मुद्दे को मोड़ दिया। इंसानियत को सर्वोपरि रखकर ये डिसाइड करना चाहिए कि ये कृत्य मानवतापूर्ण था या अमानवीय था या राक्षसी था, ऐसा आप धर्म को अपराध से जोड़ना निहायत निंदनीय और शर्मनाक है। आज जब भी घटनाएं होती हैं तो जो जिस जाति धर्म को होता है उसका अपोजिट वाला उसके पक्ष में उसके खिलाफ खड़ा होता है, पक्ष वाला कहता है कि आपने नहीं कहा। कश्मीर में अभी एक घटना हुई तो कुछ लोग कहने लगे कि आप लोग ने पहले क्यों नहीं बोला, हमने पहले भी बोला था, आज भी बोला और कल भी बोलेंगे। नारी को मांस का पिंड मत समझो, नारी मांस का पिंड नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह हाड़ मांस सांसें लेती है चलती है और तुम्हारे लिए वो जननी है सृष्टिकर्ता है और तुम्हारे लिए संसार की सृजन करता है जिसको बना। तो आज ये स्थितियाँ हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है और उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए। आज हम धर्म का जब उसको लबादा उड़ा देते हैं तो उसको एक सिक्योरिटी वॉल उसके कारण मिलती है और वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। मेरा ऐसा मानना है कि आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी मूल समस्या है, यदि वहाँ पर चोट हो तो इन समस्याओं से कुछ हद तक जूझा जा सकता है, निराकरण हो सकता है। जनसंख्या आज ये माना जा रहा है कि हम चीन हमसे आगे है और हम नंबर दो पे हैं। सन 2024 तक भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में नंबर वन हो जाएगी। आज हमारे देश में कीड़ों मकोड़ों की तरह कहा जाता है कि एक ऑस्ट्रेलिया हर दिन हमारे यहाँ पैदा होता है। लेकिन इसमें यूटिलाइज करने की बात है, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो आज से आ रही है, आ रही है प्लानिंग आ रही है। सन 2024 तक शिक्षा की नीट कर भी आगे शिक्षा की शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ा लगातार रीजन है जो सरकारी शिक्षा अभियान है, आप उसका स्टैंडर्ड देखिए, वहाँ के शिक्षक बेचारे वो मध्याह्न भोजन और दलिया में जिस बात से हम कहीं काट रहे थे, अब कहीं ना कहीं मैं कहूँगी यहाँ पे सरकार का रोल है। जो योजनाएं उन्होंने चलाई उनके क्रियान्वयन का पूरा नजर रखना, उनके लिए बिल्कुल सही उसको अवेल कराना। आप स्वच्छता अभियान का भी देख लीजिए तो टॉयलेट्स की बात हो कुछ भी बात हो, सरकार नियम बनाती है, अच्छे अच्छे नियम भी आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में समाज के लिए बहुत लाभकारी हैं, पर क्या उन पर क्रियान्वयन हो रहा है, क्या वो काम इम्प्लीमेंट होती हैं? हम लोग सोचते हैं पता लगता है लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं होती। जब हम विदेश जाते हैं वहाँ की सफाई देखकर हमें लगता है काश हमारा देश भी ऐसा हो, पर उस काश में हमें इन्वॉल्व होना है। सरकार ने अवेयरनेस जगाई है, मोदी सरकार ने स्वच्छ भागीदारी हमारी होनी ही चाहिए, बिल्कुल हमें ये अवेयरनेस को फॉलो करना है, हमें उसे पुश करना है और अपने पीछे आगे सब जनरेशन को लेकर चलना है। गाड़ी से यूं निकाल कर टिश्यू फेंकते हमने देखा है, बॉटल फेंकते हमने, ये वो लोग हैं। मोनो जी मैं पुनः कहूँगी भय बिनु होए न प्रीति। आखिर हम कहते हैं एक रुपया जुर्माना सरकार क्यों नहीं लगाती? मैं देखती हूँ सड़क में लोग निकल रहे हैं, पिच से थूकते हैं, पान थूकते हैं, धूप थूकते हैं, आखिर उनके पर एक रुपया जुर्माना लगाओ, सिंबॉलिक लगाओ, लेकिन आप क्यों नहीं लगाते? आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए आप सरकार कानून नहीं लगाते, जब नुमाइंदे हैं हाँ वो बीच में सही ट्रैक पे नहीं है ना, समाज का दर्द सबसे बड़ा, समाज का दर्द। तो ये एक तरह से बलात्कार, तो मैम एक तरह से ये बलात्कार तो हमारी योजनाओं का हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, और ये तो गैंग रेप से और एक तरह से ये चैलेंज दिया जा रहा है सरकार कि हम कर रहे करो रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। वहाँ काठुआ में एजुकेशन हो रहा है, बच्ची के लिए आवाज उठाई जा रही है, दूसरी तरफ रेप हो रहा है, एक ही देश के दूसरे हिस्से में लगातार। हमारे कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर क्यों है, इतनी बुरी स्थिति क्यों है कि हमारे इतने कानून बने हैं और उनसे कोई डरता क्यों नहीं? अभी इसका ये कारण कि हमारा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो अपने भ्रष्ट नहीं होना चाहता ना, पूरी तरह हमारी व्यवस्था भ्रष्ट है, उस व्यवस्था को हम सपोर्ट करते हैं, हमारे नेता, हमारे सिस्टम, हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी इस भ्रष्ट व्यवस्था को सपोर्ट करती है, इस कारण हमारे लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। जिस दिन तक देखिए अपन विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आप यहाँ से वहाँ गाड़ी खड़ी करने में आपको डर लगता है कि अभी अभी आपको $10,000 का जुर्माना लगेगा और आपकी हिम्मत नहीं है, आपको पेशाब लगी, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कहीं खड़े कर दें। आप यहाँ सड़क में खड़े हो तो आपको किनारे किनारे हजारों आदमी पैंट डालते हैं, खड़े दिखते हैं, औरतें दूसरी तरफ मुंह नीचे करके चली जाएंगी, लेकिन उन आदमियों को, बदतमीज लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। तो आखिर हमारा कानून कहाँ, हमारे जो ये लाइट्स होती हैं, कैमरेज होते क्यों नहीं लगे हैं? उस आदमी को पकड़ के उसके पर एक रुपये आर्थिक दंड लगाओ और चलो तुम्हें नंगे रहने का शौक है, करो सड़क में जाओ। बचपन से लड़के को, ए तू लड़की की तरह क्यों शर्मा रहा है, खड़ा हो जा, हाँ चलो,
तो ये शिक्षा के तो आवाज उठाने की बात बंद करते हैं। कोई भी आंदोलन जिसको हम आंदोलन मानते हैं आजकल, या किसी एक जत्थे को देखें, तो ये जत्था उन्हीं लोगों का है जो अशिक्षा के, गरीबी के या बेरोजगारी के शिकार हैं। जो लोग कहीं पर भी नौकरीशुदा हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि जाके आगजनी करें, बस जलाएं, या किसी भी तरह के किसी के खिलाफ खड़े होके पुतले जलाएं। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। ये उन लोगों को है जिनको वाकई में सरकार एक अच्छी मतलब वो नहीं दे पाई, सामाजिक जीवन जिनको नहीं मिल पाया, वही लोग हैं जो एक तरह से पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। अच्छा, ये अगर हम लिविंग स्टाइल या लेवल की बात करें तो ऐसा नहीं है रेप हायर क्लास में नहीं होता, मिडिल क्लास में नहीं होता, लोअर मिडिल क्लास में नहीं होता, और एकदम हमारे गरीब तबके में नहीं, हर जगह होता है। और आज अगर हम ये बात करें बलात्कार का कि वो अंकल या वो भैया या वो चाचा, ऐसा नहीं है। यहाँ इतने रिकॉर्ड है कि सगा बाप, सगे बाप का मैंने स्टेटमेंट देखा है, उसने ये कहा कि मेरे पेड़ के फल मैं नहीं खाऊंगा तो क्या दुनिया के लिए छोड़ दूंगा। तो अब आप ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के अगर लोग हैं तो कहाँ से शुरुआत होगी इसको देखने का। बदले कैसे? मनोरोगी हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको इलाज की जरूरत है। ऐसे लोगों का जिनका 18-20 के बाद डॉक्टरी मेडिकल चेकअप होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा इनकी होना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि मनोरोगी किस दिशा में जा रहा है, उसका इलाज हो। और उसको जैसे सुअरों को बाड़े में रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट तब होगी जब माँ ये मानेगी बच्चा गलत कर रहा है, संभव नहीं है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमने लड़कों को पैदाइश से ये माना है कि वो अलग तरह, अगर वो जिद कर रहे हैं तो ये उनका हक बनता है, वो माँ बाप को लतार रहे हैं तो उनका हक बनता है। मीन्स उनकी एबनॉर्मल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं फैमिली के सपोर्ट में वो और हो जाती है, और वो इसको मान लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो लड़कियों पे हाथ उठा देते हैं, बहन पे हाथ उठा देते हैं, अपने से बड़ी पे भी उठा देते हैं, तो बहन को कहा जाता है शांत रहो। वो लड़का क्या सीखेगा कि इज्जत करना वो जानती नहीं है, और उसी का नतीजा है कि सामने पड़ी किसी भी लड़की के साथ बलात्कार करना एक बहुत मामूली और आम बात। और मैंने लड़कियों को भी देखा है, अभी ये जो हमारा कठुआ कांड है वहाँ मैंने उनकी बेटी और बहन का स्टेटमेंट सुना है। उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई मेरे पिता कर ही नहीं सकते, ये आपसी रंजिश के तहत उन्होंने किया। तो ये जो एक सोच है कि मेरा भाई नहीं कर सकता, मेरे पिता नहीं कर सकते, इससे भी हमें ऊपर उठना है। अगर गलत है तो है, है। निर्भया कांड में जब वो माँ ने खुद कहा था कि उसको मार डालो, फिर वो जो बंदा था जिसने आत्महत्या करी, वो भाई वो गिल्टी में था, क्योंकि उसे पता था उसकी वाइफ उसको सपोर्ट नहीं करेगी, बच्चों के आगे वो सामाजिक तिरस्कार जिसको कहते हैं, है ना, वो जरूरी है। एक ये भी प्रावधान, ये भी प्रावधान होना चाहिए, उस परिवार में कोई शादी ना करे जहाँ शादी था उसको अलग कर, जैसे जिला बदल वो कर दिया जाता था, गांव से निकाल दिया जाता था पहले समय में, उसी तरह की कोई ऐसी हो जो सोशली आपको बायकॉट कर दिया जाए। कितना डरते हैं उसे, गाँव में होता है जात से बाहर कर देंगे, ऐसा काम किया है, बहुत में शादी की है, नेटवर्क को बार बार कहा जाता है कि नहीं इसकी वजह से ऐसा है, या मीडिया एक ही पॉइंट को पकड़कर अपने जो उनका पॉइंट है वो क्लिपिंग चलाते रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपके खून में वो बातें बस जाएं, आप उससे डर जाएं कि कल की डेट में ये हुआ था, हमें आगे फ्यूचर में अपने आप को अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे, ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ ही गलत कार्य हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे दिमाग पे असर करता है। दिन भर वही न्यूज़ चैनल वही बताता रहेगा तो वहीं पे बात वो आ जाती है जो अशिक्षा के शिकार हैं, जो अभी सोचने समझने लायक नहीं हुए, बात यहाँ उम्र की नहीं हो रही है, जिनका मानसिक स्तर इतना परिपक्व नहीं है, वो इन सबसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी तरह का एक पूरा जत्था तैयार हो जाता है, लोग तैयार हो जाते हैं और सरकार का अपना काम हो जाता है और मीडिया कहीं ना कहीं बायस हो जाता है। जैसे मॉल में जाती हूँ नॉर्मली लड़के बहुत तैयार रहते हैं, लड़कियाँ बहुत तैयार रहती हैं, बट हमेशा लड़कियों पे उंगली उठाई जाती है कि ये सरदर्ज के आती हैं, इसलिए कपड़े पहन के आती हैं, ऐसा बोला जाता है। तो छोटा सा मैंने एक वो पढ़ा था फेसबुक पे, सोशल मीडिया से मैं भी जुड़ी, उसमें लिखा हुआ था कि मिनी स्कर्ट और जीन्स को हमने बहुत कहा, अब तो डायपर वालियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, अब 5 महीने की बच्ची तक का बलात्कार हो चुका है, तो ये तो वो तो बिल्कुल ही अबोध थी,
इसको कहना चाहिए। 8 महीने की तो फिर भी चल फिर कहीं जिम्मेदार नहीं। हाँ ना, 9-5 महीने की तो बोल नहीं थी माँ, उसने क्या किया बताइए। सही बात है, लोगों की मानसिक स्तर, मानसिक सोच ही इतनी घृणित है, वो आप उसे औरतों में, मैंने जैसा कहा, औरतों से बदला लेने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि उन पर बलात्कार कर दिया, और कोई तरीका नहीं है। और उनके अहंकार की तुष्टि के लिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि स्त्रियां कहीं भी कमतर नहीं है, बराबर से कंधे से कंधा मिला के टक्कर दे सकती है अगर मौके मिले तो, और उनको दबा लो या फिर जो नहीं दब रही है दूसरे परिवार की है उनको इस तरह से। मैम मैं नॉर्मली बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ गांव, बहुत सारे गांव क्रॉस करती हूँ, देखती हूँ जो गांव के जेंट्स होते हैं वो एक जगह चमगट बना के बढ़िया बैठे होते हैं या वो अपना चिल कर रहे होते हैं, पर लेडीज होती हैं वो घर में काम भी कर रही होती हैं, खेतों में भी काम, उनके कंधे से कंधा मिला के वो खेतों में भी काम कर रही होती हैं, तो बच्चों को भी पाल रही होती हैं और दोनों टाइम का खाना बनाना, हर चीज़ में महिलाएँ आगे होती हैं। तो मैंने देखा है इंसान में तो इंसान में, मैंने जानवरों में देखा है, आप टाइगरस को देख लीजिए, किल वो करती है भाई, मातृत्व सत्तात्मक होते हैं परिवार उस तरह। तो जब हम महिलाएं इस तरह से सशक्त हैं हमें एक पॉइंट पे ले जाते हैं। आपको बात उदाहरण देना चाहूंगी हरियाणा का, हरियाणा में सबसे ज्यादा माना जाता है कि स्त्री पुरुष का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा डिसबैलेंस है, और वहीं पर ये ऑनर किलिंग ज्यादा होती है। वहाँ की महिलाओं को देखिए, आपने उनकी वेशभूषा देखी होगी, शर्ट पहनती है, लहंगा पहनती है, मुंह ऐसे ढक लेती है, इतने बड़े बड़े गट्ठर उठाए चली जाती हैं, बच्चों को लिए बगल में, मतलब हर काम ट्रैक्टर चला लेती हैं, खेती बाड़ी कर लेती हैं, घर संभाल लेती हैं, दूध धू लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, यानी एक मैं सोचती हूँ पुरुष से ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लोग खा पी के पढ़े जाना पसंद करते हैं। आप अपने ही स्टेट में देख लीजिए, ये शायद थोड़ा सा बायस जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि लेडीज सरकारी उसमें जुड़ी हुई हैं, हस्बैंड ठेकेदार हैं, फिर हस्बैंड अपना सुर्ती घिस के तंबाकू खाते बैठे हैं और आराम कर रहे हैं, क्योंकि बीवी जीप में चढ़ चढ़ के गांव गांव जा रही है, शिक्षा करनी हो गई है या फिर किसी सरकारी नौकरी में पैसा तुलाई है, तो डिपेंड वो महिलाओं पे ही करते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, स्वीकार करने से डर। ये पुरुष प्रधान मानसिकता तो सदियों से रही है और महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता रहा, लेकिन समय बदला है, समय बदला है धीरे ही सही, कहते नहीं जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ हम भी पहुँचे, मगर धीरे धीरे तो धीरे धीरे करके परिवर्तन है, किसी सदी परिवर्तन हो रहा है, हमें कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि महिलाओं का जो मान मर्यादा है वो बनी रहे, वो भी आपके साथ कदम से कदम मिला के काम भी कर रही है, कमाई में भी उनका बराबर यथेष्ट योगदान है। कहते हैं कि एक महिला जो घर का काम करती है प्रतिदिन 12 किलोमीटर करती चलती है और उतनी ही मेहनत करती है, तो यदि उसका काम का मूल्यांकन करें तो यदि कोई पुरुष ऑफिस में काम करता तो उतना ही घर का काम करने वाली महिला भी उतनी ही मेहनत करती है और अपने परिवार के प्रति उसका उतना ही योगदान होता है, परिवार को पालने पोसने, बच्चों को बड़ा करने, फैमिली अपने जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, देवर जेठ जेठानी है, लेकिन उसका काम का मूल्यांकन नहीं होता क्योंकि वो काम घर का करती है, लेकिन फिर भी समझ पुरुष नौकरी ही तभी अच्छे से कर पाता है जब कि महिला घर के फ्रंट को संभाले हुए है, वो इसीलिए बेफिक्र होकर काम कर पा रहा है, इसीलिए तो नारी को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो इतनी परिपक्व है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हो सकता है हम दुर्बल हो, पर मानसिक आप यदि इंडियन मैथोलॉजी में जाए तो दुर्गा के बराबर शक्तिशाली कोई दूसरा लॉर्ड नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हम सब उन्हीं के वो हैं, वंशज कह लीजिए, नुमाइंदे कह लीजिए, जो कुछ भी कहें, तो सशक्तिकरण की ज़रूरत है, लेकिन महिलाओं को साथ आने की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि आवाज़ उठाई जाए और कठोर से कठोर दंड के लिए। और मेरा ऐसा भी मानना है कि यदि खुदा ना खास्ता ऐसी घटनाएं हैं तो उन महिलाओं को इतना ज़्यादा लोग उनको प्रोटेक्ट करें और मनोबल प्रदान कर दें कि ऐसी घटनाएं कि हुई हुई और आप आगे बढ़ो, अब अपना काम करो दोबारा, जब पुरुषों के ऊपर कोई लांछन नहीं होता कि कोई उनके ऊपर कोई बलात्कार का केस नहीं आता या वो अपवित्र नहीं होते तो कोई महिला कैसे अपवित्र है, वो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल कोर्स में अपना पढ़ाई निकाल सकते हैं। अभ्यास करिए भोपाल में, भोपाल में मेरुना कॉलोनी के किनारे जो लड़की 16-17 साल की जा रही थी और उस लड़की अगले दिन उसने अपना काम शुरू किया और वापस अपनी जिंदगी में आई। तो यदि आप अपने सिस्टम को इतना कि ऐसी घटनाओं को यदि आप प्रतिक्रिया इतनी कठोर होने लगी है कि वो मार डालो ये वो, उसके कारण और ज़्यादा घटनाएं होती है, वो बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में कि चलो हुआ सो हुआ हम आगे बढ़ते हैं, बस उसको फांसी दिलाओ हम बंद कराओ, लेकिन जो बीच में एसिड केसेस हुए थे आप देखिए ना, महिलाएं ऐसी हो जाती हैं कि उस किसी के साथ घटना हुई वो घर बैठ जाती हैं,
उसके बाद वो जीवन में वापस वो डिप्रेशन में चली जाती है, कुछ सुसाइड कर लेती है, दोबारा पढ़ाई लिखाई नहीं करती, और पति समझेगा छूत हो गया, परिवार वाले रिलेटिव के साथ तो गलत था। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पूरा सिस्टम, पूरा देश, पूरा रीवा, पूरा समाज, हमारा पूरा सिस्टम पूरे साथ उनको शादी किया लोगों ने बलात्कार जैसी घटना को नॉर्मल कोर्स में लेने लगे। आप विश्वास करिए कि बलात्कार की घटनाएं बहुत कम होने वाली है। जो लोग प्रतिष्ठा कविता जी ने कहा कि बलात्कार की घटनाओं को नॉर्मल लेने लगे, इसके लिए समाज को परिपक्व नॉर्मल सॉरी आगे निकल जाए, मतलब आप अपवित्र हो गई, अछूत हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दृष्टि से भी देखते हैं, हमें समाज को परिपक्वता के साथ आगे लेकर चलना है, हमें ये पीढ़ियों से बहुत आगे बढ़ना है, हमें अपने आप में एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है ऐसी जो सोच है, उस सोच से बाहर आना है। हमें कोशिश करना है कि इस तरह के निर्भया कांड, हमारी ये छोटी सी बच्ची आशिमा का कांड, और ये हमारे तमाम रेप के केसेस जो हैं ये ना हो, हमारी लड़कियां उभर जाएं, समाज में उन्हें जगह मिल जाए, ये तो सेकेंडरी है, पर हमें ये तैयारी करनी है कि ये मुद्दा, ये माहौल, ये वाकया हो ही ना। उसके लिए हम सभी को अवेयर होना है, हम सभी को एक एक जन को, क्या लड़का, क्या लड़की, क्या औरत, क्या आदमी, हमें अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। हमें देश को नहीं, खुद को आगे बढ़ाना है। जब हम खुद बढ़ेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा और सक्षम हो जाएगा। परिवार से शुरू करें, जी बिल्कुल, वो आगे बढ़ता जाए। बिल्कुल, परिवार की शुरुआत भी हमारे अंदर बसे उस बीच से है कि हमें हर चीज पॉजिटिव लेकर चलना है और पॉजिटिविटी के साथ। मैं ये मानूंगी, जैसे कहा जाता है कि एक स्त्री को पढ़ाने से पूरा खानदान पढ़ लेता है, तो जो विकास हो रहा है उसमें स्त्री शिक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला होगी तो घर को बांध के भी रखेगी, संभाल के भी रखेगी, और कहीं ना कहीं उसकी दी हुई परवरिश ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ज़्यादा फलदायी होगी, और शायद बच्चे ज़्यादा संस्कारी होंगे। ऐसे यदि आप विश्लेषण करिए तो बलात्कार जैसी घटना या तो अशिक्षित ज़्यादा करते हैं, गैंगरेप के आप किससे देखें तो गरीब, अशिक्षित, बदहाल, सड़क के किनारे बेरोजगार, वो सात लोग ऐसा फ्रस्ट्रेटेड लोग ही ज़्यादा करते हैं। तो आखिर सरकार स्कूल में, हम कहते हैं आठवीं कक्षा है, उसमें क्यों नहीं मेडिकल चेकअप सब बच्चों का होता, क्यों नहीं हर बच्चे को शिक्षा दी जाती, काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, काउंसलिंग कर। यदि हम कहते हैं आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले हर स्कूली बच्चे का यदि मेडिकल चेकअप प्रॉपर हो तो उनकी जो मनोविकृति या मनोस्थिति कैसी है, मनस्थिति से अंदाजा लग जाएगा कि ये आदमी अपराध की तरफ इस सारे मुद्दे को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अनंत समय तक हमारी बातें होंगी। हम सभी की पॉजिटिव सोच, हम चाहते हैं समाज, राजनीति, देश बदल जाए। एक बहुत छोटी सी कविता है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अगर हम उस तलाश में सब शामिल हो जाएं तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। इसी बात के साथ मैं मोनू हेनरी आप सभी को नमस्कार। ये थी आज की प्रमुख खबरें। मनोरंजन के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल रीवा दर्शन। नमस्कार। Oh, 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 oh